You see, those who have come from UP and Bihar, do you feel that they are doing correct thing? I personally feel that no. They are staying in UP, they are staying in Bihar. Mumbai is a place for opportunity. Mumbai is a place for jobs. Mumbai, you come here, you get jobs. But they should not feel that leaving UP and making their home in Mumbai, where is overpopulated, traffic problems, roads problems, congestion, humidity, lack of infrastructure is here. So it should be controlled. This migrants who are coming, they should be controlled properly. The government usually does not give the ration card to those migrants who are coming from outside place. That check is already being put on them. Then it should not be easy for the government to give them jobs. First preference should be given to person who is from Maharashtra. मुझे आप बात बताइए, अगर एक किसान को उसके पास रुपया पहुंच जाता उसका, तो उसको क्या ज़रूरत थी अपना गांव अपना खेत छोड़कर मुंबई में आके काम करने की? इसका मतलब तो ये है कि इस सरकार ने किसान के लिए पैकेज तो अनाउंस किया, मगर उस किसान के पास अब तक रुपया नहीं पहुंचा है। वरना किसी को शौक नहीं आता है कि अपनी जगह छोड़कर यहाँ आए और काम ढूंढे। बीफ बैंड होने की वजह से कुरेशी जमात, दलित जमात, चामड़खोर जमात, ये जो व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे पूरा, देखो सिर्फ बीफ खाने के लिए नहीं था, उसका जो चमड़ा था लेदर में यूज़ होता था, बेल्ट्स में यूज़ होता था, कोल्हापुरी चप्पल में यूज़ होता था। आज ये बैंड होने की वजह से 3.25 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। तो क्या सरकार ने उनके रिहैबिलिटेशन पैकेज के लिए कोई स्कीम बनाई है? अब आप नहीं बनाओगे स्कीम, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब अनएम्प्लॉयड आदमी जो होता है उसको घर तो चलाना है, बीवी बच्चों का ख्याल तो रखना ही है, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाता है। एक तरफ आप बोलते हो क्राइम रेट को रुकाना है, तो इस तरह की गतिविधियों से क्राइम रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। आपको क्राइम रेट अगर कम करना है तो आपको इनके लिए पैकेज करना पड़ेगा, इनके एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया बनाना होगा। मुस्लिम पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र 12%, बट इन जेल 32%। वाई 12% ओवरऑल मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र and 32% Muslims are in jail. There are several reasons and factors for that. See, the Maharashtra government has appointed 3 committees: Ranganath Mishra Committee, Sachar Committee and Mahmudur Rahman Committee. These 3 committees went all over Maharashtra and did a survey. And in the survey they found out that 85% of the Muslim population is below the poverty line. कुछ भी बात करता है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद में मुंबई के अंदर तमाम हिंदुस्तान में कहीं कहीं राइड्स हुई। कौन कराया था राइड्स? ये लोग ही कराए थे। मुस्लिम तो डिफेंस पे थे, बिकॉज वी आर इन माइनॉरिटी, दे आर इन मेजोरिटी। हमने तो डिफेंड किया था अपने आप को, इंसान को हक है अपने आप को डिफेंड करने का। फिर भी हमारे बेकसूर बच्चों को डाल दिया गया था जेलों के अंदर, जेलों में बंद कर दिया गया बच्चों को, उनको कन्विक्शन भी हो गया। मगर जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिनके नाम आज भी गवर्नमेंट में है, चार्जशीट में जिनके नाम है, उनके खिलाफ आज तक कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो बाहर घूम रहे हैं? क्यों उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया? क्या ये वो बोलते हैं शिवसेना वाले? हम खंडन करते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की टेररिस्ट गतिविधियों का, हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। फिर कोई भी कम्युनिटी का वो हो, साध्वी प्रज्ञा पकड़ी थी, कर्नल पुरोहित भी पकड़े थे, वो लोगों को भी अभी जाके जमानत हो। ये क्यों मालेगांव ब्लास्ट जब हुआ तो पहले मुसलमानों का नाम डाल दिया गया, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नहीं, इसमें तो ये लोग इन्वॉल्व हैं, तब जाके उनके ऊपर केस बना, तब जाके उनको अरेस्ट किया गया। तो यहाँ कुछ भी होता है तो पहले फिंगर होती है मुस्लिम कम्युनिटी पे। यही सरकार का बायस एटीट्यूड है। बट आई वोंट से दैट आफ्टर दी बॉम्ब ब्लास्ट द मुस्लिम्स फेल्ट दैट नो नाउ दे आर अगेन इन टू दी मेन स्ट्रीम एंड ऑल। वी वर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, वी वर ट्रीटेड लाइक डस्ट। But now the Muslim youth is quite aware about his right, about his legal rights, his fundamental rights, and he knows how to deal with the situation. I was born and brought up in Mumbai. I was born in Mumbai, I did my education in Mumbai, I did my college in Mumbai, and I am proud to be an Indian, I am proud to be a Muslim, and I am more proud to be a Mumbaikar.